राइट में देखिए सर, सेंटर में, सेंटर में थैंक यू आजमगढ़ के लिए। मुझे नहीं पता था कि ये मीटू कुछ है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन मुझे ऑफर आया था, मुझे शूट पे जाना पड़ा। सो आई विल नॉट टॉक अबाउट माय रोल, क्योंकि मेरा रोल भी कुछ अलग सा ही है। एंड जो मीटू चल रहा है, जैसे कि मेरी कुलीग ने कहा कि हमेशा वाइस वर्सा होता है, आपको लगता है कि आपको कुछ मिलेगा उसके बदले में आप कुछ करते हो, लेटर ऑन आपको चीजें नहीं मिलती, फिर आप ब्लेम करना शुरू कर देते हो और आप कहते हो इसे बॉलीवुड में होता है, ये हर जगह है। मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं IBM में थी, आज मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन ये हर जगह है। एंड उसके बाद चीजें क्या होती हैं कि लोगों को मौका चाहिए, जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता टाइम पे आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ जाता है कि आप घर पे बैठे होते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप एक एक करके लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हो। एंड मोस्टली ये वो लोग करते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मीटू कभी भी एक साइडेड नहीं था, लोग हमेशा एक दूसरे पर ब्लेम करना चाहते हैं, लोगों को मौका चाहिए कि वो तमाशा बना सकें। तो दिस इज यही एक्चुअली मीटू। एंड होता क्या है कि आपको देखेगा कोई दूसरा सीढ़ी चढ़ रहा है, हम क्यों नहीं चढ़ रहे हैं, दूसरे को कोई चीज़ क्यों मिल रही है, हमको क्यों नहीं मिल रही है, तो हम तमाशा शुरू कर देते हैं। एंड देन उसकी वजह टॉपिक आता है मीटू। अदरवाइज मीटू अगर आना था तो 10 साल पहले क्यों नहीं आया। अचानक से एक आर्टिस्ट खड़ी होती है, वो कहती है 10 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, 15 साल पहले हुआ था, पहले क्यों नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं ब्लेम किया गया अचानक से। फिर विवान ने कहा कि ये जनरली छोटे शहर के लोग करते हैं, हर किसी को मौका चाहिए एक दूसरे पे थोपने के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे लगता है मैंने काफी कह दिया है, थैंक यू। माय जर्नी हियर इन मुंबई, इट्स बीन जस्ट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड येट 2 इयर्स, बट यस आई वुड जस्ट से वन थिंग टू माय एक्सपीरियंस हियर। आई एम अ कॉर्पोरेट वुमन, from a bank to an actor, from a banker to an actor. But to my journey, what I understood here is, it is all matter of choices we individuals make in our life. Nobody can come, nobody can force us. So there's nothing right or wrong here, but then end of the day, we cannot blame anybody. If we say this Me Too movement also, which is going on, I think I go very contradictory to everybody. Everything happens two ways. साइकिल भी अकेले पहिए से नहीं चलता है। सो समवेयर इन अ होप ऑफ गेटिंग समथिंग गुड और व्हाट फॉर गिविंग मी दिस रोल। एंड थैंक यू विवान सर फॉर सपोर्टिंग मी एंड टीचिंग मी सो मच। एंड दीपक सर नहीं है, सो दीपक सर के लिए भी थैंक यू। एंड या ऑल आई वांट टू से, आई टोटली एग्री विद विवान सर व्हिच ही सेड वेरी क्लियरली। आई एम नॉट फ्रॉम बॉम्बे, सो आई नो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। सो लाइक ही सेड, दिस डज नॉट हैपन लाइक बेसिकली इन बॉलीवुड, रियल बॉलीवुड, जहाँ पे लोग एक्चुअली काम करते हैं, जो एक्चुअली मूवी या सीरीज या व्हाटएवर दे एक्चुअली मेक। दिस इज हैपन एक्चुअली इन अ लोअर बेस, जहाँ पे वो लोग कुछ बनाते नहीं, उनका CCDM में सब कुछ बनता है, वहीं पे रिलीज होता है, वहीं पे सब कुछ हो जाता है। तो दे एक्चुअली डू दिस कि बेबी यू हैव टू कम, बेबी यू हैव टू स्पेंड, बेबी यू हैव टू डू डिनर एंड ऑल। सो दिस एक्चुअली हैपन, बट नॉट इन द मेन फील्ड। सो आई थिंक दिस गोना बी क्लियर थ्रू दिस सीरीज एंड थैंक यू सो मच। रियली वेरी प्राउड दैट आई got this opportunity to work with Deepak Pandey again after years. And Falguni ma'am, thank you that you thought that I'm very appropriate for the role. And the team was amazing, and of course the concept is so beautiful, so I'm very proud of being a part. मुझे जैसा कि विभू जी ने बोला कि बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि उल्लू ऐसा कंटेंट बना रहा है जो सिर्फ यू नो, बट जब मैंने मीटू के बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है और इस बारे में जिन लोगों को नहीं पता उन तक ये बात पहुंच। किरदार के बारे में बताइए और आप लोगों ने किरदार को लेकर क्या रिसर्च किया और मीटू के बारे में कितना रिसर्च किया आप लोगों ने? इस सीरीज में जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही ऑपोजिट सा कैरेक्टर है। मैं एक ऐसी लेडी हूँ कि मैं खुद भी मीटू मूवमेंट चला रही हूँ, मैं खुद भी लोगों का एक्सप्लॉइट कर रही हूँ सीरीज में, बट जो मेरा मानना है मीटू मूवमेंट को लेकर के,
कि अगर आपको किसी ने अप्रोच किया है और अगर आप नहीं कर सकते इमीडिएटली कैसे हो आप किसी भी चीज़ के लिए कोई ना कोई सोच नहीं कर रहा है, कोई आपको अपने घर में ज़बरदस्ती में बुलाता, कोई कॉफ़ी के लिए बुलाता, फिर भी ना कह सकते आपको नहीं करना आप ना कह सकते लेटर और आप लोगों को ढूंढ ढूंढ कर फिर आप उन्हें ब्लेम करोगे, आपके पास काम नहीं होगा फिर आप अपने फ्रस्ट्रेशन को लोगों को ब्लेम करके निकालोगे, तो ये गलत है। और जितने सामने वाला इन्वॉल्व है उतनी आप भी इन्वॉल्व होते हैं। अचानक से 10 साल बाद आपको याद आता है कि आपके साथ एक्सपेक्टेशन हुआ है और फिर आप उसको ब्लेम करोगे। जो घर पे बैठी है जिनके पास कोई काम नहीं, जिन्होंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, एक लड़की उठती है कोई किसी डायरेक्टर को ब्लेम कर देती है, कोई प्रोड्यूसर पे, कोई एक्टर पे, एक तरीके का तमाशा लगा हुआ है। मतलब अगर आपके पास कोई काम नहीं, आपको न्यूज़ में आना है, आपको कॉन्फ्रेंसिस में आना है, तो आपको पता है कि बहुत अच्छा तरीका है ब्लेम करते हैं, उसके लिए कुछ नहीं लगता। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि सालों भर की जो इज्जत उस आदमी ने कमाई है, क्योंकि जिसका ब्लेम कर रहे हैं उसका 10 साल दिए हुए हैं, 20 साल की इज्जत आपको ये सोचना बहुत जरूरी है। सेकेंड, अगर आप कहते हो कि बॉलीवुड में है तो ऐसा नहीं है, ऐसा हर हर जगह है। अभी मेरे कुलीग ने बोला कि ये छोटे तबके पे है, बड़े लेवल पे नहीं है, कहीं भी है। अगर लड़की जब तक एग्री नहीं करेगी, कोई आपको रिलेट नहीं करता, कोई फोर्स नहीं करता, कोई ज़बरदस्ती आपको अपने घर में खींच कर नहीं लाता है, सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। आप जो कर रहे हो आपके पास दिमाग, आप 18 साल से कम वाले बच्चे नहीं हो, आप इतने मैच्योर हो, आप ब्लेम करने के लिए मैच्योर हो, लेकिन जब आपके साथ वो इंसिडेंट हो रहा होता है तब आप बच्चे नादान बन जाते हो, लोगों को बहाने चाहिए। वैसे थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, आई टोटली डोंट एग्री ऑन दिस। मेरे लाइक आई सेड इनसाइड आल्सो दैट ये मी टू पीपल आर फॉर मेबी कम हियर, मेबी लेट्स गो डिनर, लेट्स गो देयर, ये सब बिलीव मी। मैं भी लखनऊ से आई हूँ एंड मैंने भी 3 साल यहाँ पे स्ट्रगल किया, दिस इज माई फर्स्ट एपिसोड, नाउ वर्किंग इन साउथ। ये यस्टरडे आई वाज सिटिंग एट पट्टी वालियास फैक्ट्री हाउस, नोबडी वाज टॉकिंग टू मी लाइक दिस, नोबडी आस्क्ड मी फॉर एनीथिंग, दे टुक माय ऑडिशन, दे आस्क्ड मी समथिंग फ्रॉम दिस हाउस। ये जो बातें करती है ना, ये एक्चुअली जिन्होंने ना कभी मूवी बनाई है, ना जिन्होंने कभी एड बनाई है, और ना ही जो कभी बनाते हैं, एंड आई थिंक आप लोग भी शायद इस बात से एग्री कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने मेरे से ज़्यादा देख रखा है, आप लोग बहुत टाइम से हो यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो बड़े लोग ये सब बोलते हैं। एंड आई एम नॉट से कि बड़े लोग ऐसे नहीं करते, जो मेन लोग काम कर रहे हैं, जो मेन प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स हैं, उनके अंदर भी एक दो तो होता ही है ना यार, ऐसा सिंपल सी बात है, एक दो तो होता ही है। आई ईशा ऑल्सो विल बी एग्री विद यू। क्योंकि इन्होंने जो बात की पहले तो मेरे शौक, मुझे बड़ा शौक लगा कि मतलब इनकी ऐसी कैसी समझ है, क्या इनको ऐसा लगता है कि जो भी अब तक मीटू इतना बड़ा एक मोमेंट हुआ है, क्या सब लोग हर कोई लड़की झूठ नहीं बोले, कितने प्लेटफॉर्म है। तनुश्री की जो आप बात कर रही हैं, तनुश्री का नाम लेके आया था, उसके नाम आप जो आप जो भी बात कर रही थी, 10 साल एकदम से आगे खड़ा हुआ, तो भी जो बात 10 साल बाद पूरी पकड़ी हो, तो बहुत गलत है। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, और ऐसी बहुत लड़कियाँ मैं मानती हूँ जिनके पास ऐसे वाक्य हुए हैं, इनको अरेस्ट किया गया है चीज़ों को लेकर, और हम ये नहीं कि आप उसे मना कर दो, ये बात आती ही जो है आपको आपके एक्टिंग के बीच में काम देना चाहिए, ना कि ये आपने जैसा कि बोला कि आप मना कर दो, मना क्यों कर दो, ये बात ही नहीं आनी चाहिए। उसके तक ये ऐसी बातचीत आना बिल्कुल गलत है। बीच में 2-3 हमारे बहुत ही विख्यात प्रोड्यूसर्स के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगे, और मैं जिन लड़कियों ने लगाए मैं फर्स्ट लेडी होने का, तो जितनी समझ मेरी है, जितना मैं उनको जानती हूँ, वो ऐसा अच्छा काम किया है उन लड़कियों ने, तो ऐसे घटिया आरोप सिर्फ छोटी पब्लिसिटी के लिए हर कोई लड़की नहीं करती है, कुछ करती होगी पर हर कोई उसमें से शामिल है। हो गई जिसकी वजह से कुछ लड़कियां सामने आई, और अब कुछ जाने उस पर परसेंटेज अब होता होगा नहीं होता होगा, कुछ कभी ना आई है, तो आपको नहीं लगता कि महिलाओं को भी सम्मान से जीने का हक है? नहीं, मैं कुछ और कहना चाहूँ, बट जो लड़कियाँ सामने आई हैं वो कौन है वो लड़की? वही लड़कियाँ जो घर पे बैठी हुई हैं, ये वही लड़कियाँ जिनके पास कोई काम नहीं था। मुझे आप एक लड़की ऐसी बता दो जो अभी सामने आई है, जो एक्चुअली ए लेवल पे काम कर रही है। ये वही लड़कियाँ हैं जो या तो मोतीलाल नगर में
कैटलॉग कर रही हैं, या एक लड़की जो सुभाष के प्रोब्लेम करे जिसे जीवन में कुछ नहीं किया, तनुश्री दत्ता का नाम इन्होंने लिया, इसका नाम ही उसने 10 साल से वो कहाँ थी जो बाकी लड़कियाँ ब्लेम कर रही हैं, कहाँ काम नहीं करना था, क्या 10 साल बाद आकर आप क्यों इंडस्ट्री में बिलोंग कर रही हैं, नहीं थी आपको जिस समय प्रॉब्लम हुई उस समय आपको एक्शन लेना चाहिए था, किसी के साथ रेप करना चाहिए वो इमीडिएटली सेकंड में जाके पुलिस के पास जाता है, केस करता है, एक्शन लेता है, कि 10 साल बाद वो सोचता है, विचारता है, अरे नहीं यार ये आदमी अच्छा काम करे मुझे उसका केस कर देना चाहिए, क्यों ए क्लास आर्टिस्ट जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो सही क्या है और गलत क्या है, कि वो लाइन क्या है जो उन्हें पार नहीं करनी चाहिए, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिजर्वेशन। जैसे मैंने कहा कि ये बॉलीवुड की कहानी नहीं है, हम बॉलीवुड को ताना नहीं मार रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो दलदल बॉलीवुड के पहले आते हैं उन्हें आप बाईपास कर लीजिए, आप बॉलीवुड के दिग्गज देखिए जो फंसे हैं और जो कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने जो रूलिंग दी है उनके ऊपर वो, और उन्होंने अपने जो लोग फंसे थे उनको फिल्मों से निकाला भी गया है और उनको डायरेक्टर से दे हैव बीन रिप्लेस्ड एज डायरेक्टर, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो इससे ज़्यादा पनिशमेंट क्या हो सकती है जब का आपका नाम खराब हो गया और आपके जो पीयर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं उन्होंने आपको बॉयकॉट कर दिया, तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, दिस इज गुड एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर, सॉरी सर बोलिए आप। मैं कह रहा हूँ मैं सिर्फ इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारी जो हीरोइन है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही और आई बिलीव इन दैट, ये पिक्चर कॉफी डे में बनती है और ये मैंने सुना भी है कि कॉफी डे में पिक्चर बनती है, रिलीज होती है और वहाँ ही देखी जाती है, क्योंकि वहाँ इट डजेंट गो टू इट डजेंट रीच बॉलीवुड, वो सब झूठ है, वो सब झूठ और सपने दिखाते हैं लोग। जहाँ तक आपका कहना है कि ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में हुआ है, मैंने इनको भी कहा कि जो लोग फंसे हैं उनको एडिक्वेट पनिशमेंट दी गई है, उनको अपने पेयर्स ने बैन कर दिया है, तो आई थिंक दैट शुड बी सफिशेंट यू नो पनिशमेंट फॉर देम, एंड अ बैरिकेड हैज बीन मेड, अ लाइन हैज बीन ड्रॉन and all the stars are supporting it. That is amazing that all the big stars, Akshay Kumar se leke Aamir Khan se leke, sab ne support kiya isko. And I think that's a very big thing to happen for our industry, so that the young girls and the young boys of today don't get harassed and don't get abused, don't get molested, don't have to face any of these problems and can base their experiences based on how good they are, how bad they are, how whatever they are, you know, unka experience wahan tak limited ho jata hai. मैं ये भी नहीं कह सकता कि इससे ये चीज़ें ख़त्म हो गई, नहीं ख़त्म भी हो सकती, इट कैन रीस्टार्ट ऑल्सो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोग थोड़े से डर गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया के आने के बाद आप इतने सारे लोग एक्सपोज होने के बाद थोड़े से लोग डर गए हैं, एंड आई फील आई एम गेटिंग दैट फीडबैक फ्रॉम द इंडस्ट्री पीपल, सो आई फील दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैपन फॉर आवर इंडस्ट्री। विवान जी को चूज करने का कारण दो तीन थे, एक तो हमें इसमें एक कैशिंग पर्सनालिटी चाहिए थी जो यहाँ पर इसके अंदर फिल्म के अंदर जो आए देखे कि हाँ मतलब कोई बोल्ड स्टेप बाय फेस बाय एज ए एक्टर दिखना चाहिए, और इसमें दीपक जी ने क्योंकि उन्हीं की तरफ से ही वो होता है, तो जब मुझे तीन चार उन्होंने आर्टिस्ट के नाम सजेस्ट किए तो मुझे लगा कि नहीं इनको ही करना चाहिए, इज द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस। और आप देखिए कि पूरी स्टोरी में मेरी धुलाई हो रही है नहीं बिकॉज यू नो इट्स नॉट अ यू नो फिल्म वेयर द हीरो जाके सबको सबकी धुलाई करता है, इट्स मोर अबाउट रियल लाइफ, जहाँ पर द
अगर दो चार लोग आपके ऊपर यू नो आपके ऊपर भिड़ जाते हैं और नहीं ना ही एज अ रियल लाइफ पर्सन कि आपको कोई मार्शल आर्ट्स आती है, आप यू नो आप जंप किक मार के किसी को उड़ा देते हैं, ये आपको ये रियल लाइफ में नहीं होता. इट हैपेंस ओनली इन फिल्म. सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल. सर मैं इसमें कुछ इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा. मी टू जो है ना वो एक थप्पा लग गया इंडस्ट्री के ऊपर, ये मी टू है. बट ऐसा नहीं है. मैं तो स्टील इंडस्ट्री का हूँ, मेरे पास स्कूल्स भी हैं, मैं मीडिया से भी हूँ, मेरी कई फील्ड्स का मुझे नॉलेज भी है और मैं कई जगह जाता हूँ. मी टू सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के लिए लगाया गया है, बट ऐसा नहीं है. मतलब आज के तारीख में अगर देखा जाए मेडिकल रैप भी उसमें इन्वॉल्व है, डॉक्टर्स भी आज के तारीख में इन्वॉल्व हैं, स्कूल टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, किसी को प्रमोशन चाहिए तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट या मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं. तो मी टू सिर्फ इसलिए नहीं होता. मी टू का मतलब ही यही है कि आदमी को कहीं अगर दोनों तरफ से मतलब हमें मतलब कोई सामने से ऑफर आता है तो हम कहते हैं, तो वो इट्स अ ये कह लीजिए कि एक आपस का एक दोनों का म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होती है. और जिसकी नहीं हो पाती है या जिसको लगता है कि अब मुझे ये आगे नहीं पहुंचा पाएगा या मैं नहीं पहुंच पाऊंगा या पाऊंगी, तो वो करता है. लेकिन ये हर फील्ड में, ये केवल जो एक थप्पा बन गया है, एक स्टैम्प लग गई है कि सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड या हॉलीवुड में है, ऐसा नहीं है. ये सारे आज जितना भी ट्रेड है, जितना भी बिजनेस है, सब में मी टू है. देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि इस तरह से केसेस होते हैं. सिंटा ने बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया इस मीटू मूवमेंट के दौरान, जो हमने सभी ने महसूस किया. क्या कभी कोई दबाव भी आया आपको बॉलीवुड से कि नहीं, यू कांट, यू नो नॉर्मली व्हेन यू इशू है नोटिस टू समबडी? खासतौर से सुशांत और मुझे तो मतलब काफ़ी दबाव आया, बट कुछ लोग खुल के नहीं आए. दबाव आया कि मत करो, आपको सच्चाई नहीं पता है. और एक कमाल की बात यह है कि जब मैंने ये शूट किया था, ये सब उससे पहले हो चुका था, बट 90% ऑफ द पीपल सपोर्टेड अस कि आप लोग जो कर रहे हैं. क्योंकि हमने क्या किया था कि जब तक सच्चाई हमारे सामने नहीं आई, और एक इसलिए हमने आईसी कंपनी लिया थी, आप किसी को दंड नहीं दे सकते. सिंटा इज अ ट्रेड यूनियन, सिंटा इज नॉट अ लॉ बॉडी. हम एक्टर्स हैं, हम एक्टर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं. लेकिन अगर हमारे एक्टर्स सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होते हैं, सेक्सुअली हैरेस्ट होते हैं, मेल या फीमेल, तो वी नीड टू टेक अ कॉल. और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब हम एक्टर्स की बात करते हैं, तो अगर हम एक्टर्स का कॉज ले रहे हैं और हमारे लेने की वजह से अगर वो चीज़ें भी अगर सुधर जाती हैं, हम जितने लोग मीडिया में हैं, हम सबको इसका बेनिफिट होगा. अगर दो केसेस एज कम अंडर द विशाखा गाइडलाइंस, our idea was that we were not trying to malign anybody because हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं. इफ द इंडस्ट्री वॉज वेरी बैड, इतनी ख़राब होती तो हम लोग अभी तक नहीं रहते. लेकिन हाँ, कि 80% लोग अच्छे हैं तो 20% लोग खराब हैं. अब वो जो 20% लोग हैं उनके अगेंस्ट जो भी केसेज हैं वो आज खुल के आ रहे हैं, बट हमारे मेम्बर्स हैं, वी नीड टू टेक अ कॉल, वी आर आंसरेबल टू देम. एंड हमने वही कोशिश की कि भाई जितना हमारे बस में था हमने किया. अभी तो केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एंड बिलीव मी वो और इसमें कोई मतलब रिलेशन नहीं है. बट सिंस आपने पूछा तो यस, वी हैव टेकन इट अप. दबाव भी आया, कुछ लोगों ने इनकरेज भी किया, और आज भी कुछ लोग इनकरेज करते हैं, आज भी कुछ लोग दबाव डाल रहे हैं. तो मैम आप बताइए, आप लोगों ने क्या मतलब रिसर्च किया था? जैसे टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आपके पास ये स्टोरी आई तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था और इम्प्लीमेंट कैसे किया जाना था? ऐसा कुछ रिसर्च करने के लिए मैंने इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है, हर जगह पर. जहाँ पर मैं कॉर्पोरेट जॉब में भी अब देखूँ, छोटे से छोटे लेवल पर हर जगह पर मिलती हूँ.
हम इंडस्ट्री को ज़्यादातर वो करते हैं क्योंकि हम हाईलाइट करो, मीडिया इज ऑलवेज एकदम एकदम करेक्ट करेंगे बात बताई थी ना दीपक से बता था कि ये हर इंडस्ट्री में फाइनेंस सेक्टर में आईटी सेक्टर में कॉल सेंटर एक्चुअली बिकॉज हम क्योंकि ग्लैमर का हिस्सा है आप लोग हम सब तो ये हाईलाइट ज़्यादा होता है और चूंकि यहाँ पर जाए हाँ छोटे शहर से आते हैं छोटा तो वहाँ पर हमको लगता है और छोटे शहर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जो मुंबई में काम कर रहे हैं हमको इस हम हर रोज इसको देखते हैं तो ये हमारे लिए रियलिटी बिहाइंड द ग्लैमर द ग्रेट बिहाइंड द ग्लैमर हमको समझता है जैसे दीवान कहते हैं छोटे शहर के लोग हैं उनको लगता है कि क्या कुछ करना पड़ेगा और कभी कभार जब पेशेंस निकल जाता है और इसमें फिर एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है और वो ब्लेम गेम जब शुरू हो जाता है तो सब इसके लपेटे में आते हैं। दीपक ने जब मुझे बताया ना अपनी डायरेक्टर का रोल कि रमेश भाई मैंने ना इसका पर्सपेक्टिव दोनों तरफ से लिया कि क्या हो सकता है एंड कितने एक्सट्रीम तक हम लोग जा सकते हैं इंसान जा सकता है या कभी कभार ये होता है कि आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा आगे होता है हमें बोल रहे हैं कि नहीं करो उसको टच एंड नथिंग सेल्स बेटर देन सेक्स एंड रिलीजन इन द वर्ल्ड ये हम सब जानते हैं कि धर्म और सेक्स छोटा सा टाइम कोटा गिर जाएगा बिजनेस है मुद्दा बनाना है उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है ना कि गड़ की शादी होती है बोल रहा है आराम से खड़े रहा फिर भी सामने भी ट्राई कोटा कर रहा हूँ बीट एसोसिएशन में लड़ूगा नहीं मिलेगी क्या शायद वो आपके बारे बात कर सकती है रख सकती है क्योंकि
ये सब होता है। तो इन सब दूसरा पहले हो गया अपने आप को अंदर सॉल्व कर लिया कसीम फोन कर रहा है दूसरा इवेंट में जाना है बॉलीवुड ऑर्गेनाइज तुम्हारा है दूसरा तुम्हारा है मेरा है मेरा भी है उनके भाई निकले अच्छी बात है अगर कम हो गया है वेरी हैप्पी ये है मैं फेमिनिस्ट हूँ और मैं चाहती हूँ कि औरतों को इज्जत हो आदमियों की भी इज्जत हो यार मतलब फैब्रिकेटेड जो स्टोरीज होती है उनकी आदमी की तो धज्जियाँ उड़ जाती है तो उसमें से कुछ बेचारे आदमी अच्छे भी होते हैं मेरे हिसाब से बिगनर्स जो आते हैं इंडस्ट्री में उनको यहाँ आते हुए सोच कर आना चाहिए कि यहाँ पे दो हिस्से हैं इंडस्ट्री के दो हिस्से एक हिस्सा है प्रदर्शन एक्टिंग अभिनय प्योरली एक्टिंग दूसरा हिस्सा जो अनस्पोकन हिस्सा है वो हिस्सा होता है क्या गुड एंड बैड बॉलीवुड उसमें से कुछ जो बैड होते हैं क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये जो सीरियल इंडस्ट्री है या वेब इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री या टीवी का पर्दा है जो पावरफुल लोग हैं उनके लिए जो ग्राउंड में जो विंडोज है ना ये विंडो शॉपिंग का जरिया बन जाता है अब वो विंडो शॉपिंग में आप शॉप होना चाहते हो कि नहीं ये तो आपके ऊपर निर्भर है आप करेंगे और अगर आप ये नहीं बोल सकते आई डिड हैव अ चॉइस यार मुझे वो प्रोजेक्ट अरे आप चॉइस तो ऑलरेडी कर रहे हैं यू आर ऑलरेडी मेकिंग अ चॉइस बाय सेइंग आई डोंट हैव अ चॉइस यू ऑलवेज हैव अ चॉइस एडवांसेस सजेशन मैंने भी झेले हैं बट उन चीज़ों को कैसे टर्न अराउंड करके डेस्परेशन ना दिखाते हुए सही गाइडेंस के जरिए डोंट गिव दैट वाइब शी मींस डोंट गिव दैट वाइब कि ओके यू नो यू कैन एक्चुअली स्टॉप समबडी मतलब इतना डेस्परेशन कि ओवरनाइट स्टार तो आप नहीं बनेंगे ना क्यों बनना है ओवरनाइट स्टार बनके क्या हासिल होगा ब्राइब्स देके आपका काम आसानी से होता है रिश्वत देके आपका काम आसानी से होता है भारत में लेकिन ये रिश्वत से अंदर बहुत सारी चीज़ें खोखली हो जाती है अगर हम हर बिगनर ये चीज़ों को अच्छे से समझ कर आए इंडस्ट्री में तो वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली एक्टिंग का जो ग्राउंड है वहीं टिका रहेगा उसे यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी Yeah. Thank you.